प्रधानमंत्री ने चक्रवात फोनी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती फोनी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। ओडिशा से 8 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चल रहा है महाअभियान। लोकसभा चुनाव के बाकी 3 चरणों के लिए प्रचार का काम तेज। बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं कर किया प्रचार। दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के अपर महानिदेशक कार्यक्रम अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया दूरदर्शन लखनऊ का दौरा। कहा डीडी उर्दू के प्रसारण में दूरदर्शन लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों की बढ़ेगी भागीदारी। और सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोरा ने किया टॉप। दोनों छात्राओं ने 500 अंक में से 499 अंक किए प्राप्त। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान फोनी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, गृह सचिव और आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए, प्रधानमंत्री कार्यालय इत्यादि के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री को इस चक्रवाती तूफान की संभावित दिशा के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को इसके साथ ही विभिन्न एहतियातन उठाए गए कदमों के साथ साथ इससे निपटने की तैयारियों के तहत किए गए अनेक उपायों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने संभावित हालात की समीक्षा करने के बाद केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ समूचे तालमेल निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि इस दिशा में निवारण कार्य उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी पर आदिवासियों को लेकर अनर्गल बातें बोलने का आरोप है। इसी पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी से 48 घंटे के भीतर यानी 3 मई तक जवाब देने को कहा गया है। राहुल गांधी ने शहडोल में 23 अप्रैल को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कानून लाए हैं जिससे आदिवासियों को गोली मारी जा सकेगी। आदिवासियों से जंगल, जमीन, जल लेकर गोली तक मारी जा सकेगी। बीजेपी ने इसकी शिकायत आयोग से की थी। आयोग ने मध्य प्रदेश के सीईओ से बात इस बाबत भाषण की रिकॉर्डिंग और लिखित प्रति भी मंगाई जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरे उत्साह के साथ लोगों के साथ मिली जुली। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सपेरों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया लेकिन 50 लाख रोजगार कम हुए। इसी सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर किया गया। रोजगार सेवकों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। आपने नोटबंदी की, लोग शहर से गांव आए लेकिन रोजगार नहीं दिए। हमारी सरकार आने पर 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12वीं तक मुफ्त पढ़ाई, सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आरोप लगाया कि दोनों ही दल यूपी में महागठबंधन के खिलाफ एक दूसरे के साथ हैं। मायावती ने कहा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें। ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही हैं। यही मुख्य वजह है कि अब तो इस कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी कहते घूम रहे हैं कि चाहे बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएं, लेकिन सपा व बसपा गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ चुनाव नहीं जीतने चाहिए। जिले के कैसरगंज लोकसभा के कटरा विधानसभा के वीरपुर में आज बसपा सपा गठबंधन के बसपा प्रत्याशी व पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव के समर्थन में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर प्रहार किया। अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित किए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा 5 वर्ष से क्या कर रही थी, अब दादागिरी दिखाकर चुनाव में लाभ ले रही है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी
पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। संत कबीर नगर में लोकसभा चुनाव 12 मई को होना है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सपा और बसपा की सरकार ने प्रदेश में जाति संप्रदाय के आधार पर बिजली की सप्लाई दी। उन्होंने कहा कि बसपा और सपा के गठबंधन से देश को खतरा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत कबीर नगर में मेरे लिए कोई नया नहीं है, ये मेरी कर्मस्थली है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर देश का विकास होगा। उन्होंने संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद को वोट देने की अपील की। क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है भाइयों बहनों, नई ऊंचाइयों तक, एक नई पहचान पूरे देश को दुनिया के सामने। आज भारत का कोई नागरिक दुनिया के अंदर कहीं जाता है, उसकी पहचान होती है प्रधानमंत्री मोदी का देश। दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। आपके यहां से राम जानकी मार्ग जाता है। आगे 50-55 वर्षों तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी राम जानकी मार्ग की चर्चा नहीं की, कभी भी कामेश्वरनाथ धाम के विकास की चर्चा नहीं की। यह कार्य तो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आगे भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। पांचवें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगभग अंतिम चरण में है। इसी क्रम में लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर ने कटरा बाजार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील के साथ साथ भाजपा व गठबंधन पर भी हमला बोला। आज सरकार में बैठे हुए गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को इस बात का, इस देश से क्षमा चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने 5 साल जुमलों की और धोखे की राजनीति की है। ना हमारा सिपाही, ना हमारी पैरा फोर्सेस यहाँ सुरक्षित है नक्सलवाद के सामने, और ना ही जो है देश के बॉर्डर पर सुरक्षित। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया ने बाराबंकी में पत्रकार वार्ता कर पीस पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों सहित पार्टी के समर्थन मिलने की औपचारिक रूप से घोषणा की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किए जाने की घोषणा को स्वागत योग्य कदम बताया। अजहर मसूद, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया है, जरूरत इस बात की है अभी भी जैसे मोहम्मद की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त होनी है, और इनका जो नेटवर्क है, जो आतंकवादी नेटवर्क चढ़ गई का, उसको खत्म करने के लिए सरकार क्या करा रही है। पाकिस्तान जब तक साथ और समर्थन नहीं देगा तब तक ये ऐसे रह जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा विराम। कोई बना रहा सच्ची सड़कें, कोई द्वार नए है खोल रहा, शिक्षा से सींच रहा कल को, कोई नई रोशनी बोल रहा, कर चुका फैसला देश मेरा, मिलकर बोला ये देश मेरा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता उदित राज ने सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आज लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष और गृहमंत्री को मिलाकर
छह पद ऐसे होते हैं जो शासन प्रशासन को चलाते हैं, लेकिन इनमें कोई दलित नहीं है। यूपी पुलिस में जहां से निर्णय लेने की पावर है उसमें भी एक भी दलित की नियुक्ति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दलित बच्चों की स्कॉलरशिप को रोक दिया है। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ने दलित का सफाया कर दिया। जनता पार्टी में गूंगा बहरा दलित चाहिए, ये सबसे ज्यादा दलित विरोधी पार्टी है। और योगी जी के ये जो हमने आंकड़े दिए हैं, ये हम भी सत्यापित करते हैं कि ये सबसे ज्यादा दलित विरोधी पार्टी है। दलितों को तो इसको आदिवासियों को और पिछड़ों का भी वही हाल है। महिला चाहे जिस जाति की हो, गरीब चाहे जिस जाति का हो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, 5 करोड़ रोजगार बच्ची समाप्त हो। ये है सबका साथ सबका विकास, नाम सबका साथ सबका विकास। भाजपा के राष्ट्रीय नेता व सुल्तानपुर के निवर्तमान सांसद वरुण गांधी ने आज इसौली में, बहमतपुर, बेला तिराहे, बेला पश्चिम समेत दर्जन भर चुनावी सभाओं में अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगा। वरुण ने स्थानीय गठबंधन प्रत्याशी सोनू व मोनू पर नागरिकों को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में आपको एक तरफ राष्ट्रभक्त पीएम नरेंद्र मोदी को चुनना है तो दूसरी ओर एक ईमानदार सांसद के रूप में मेनका गांधी को चुनना। अभी हम लोग गए थे एक गांव में, वहां पे लोगों ने कहा कि साहब पूरा गांव अपने साथ। मैंने कहा सामने तो 200 आदमी दिख रहे, तो गांव में तो होगा 800-900 वोट। उन्होंने कहा साहब लोगों को शाम को धमकियां आती हैं, साहब लोगों को पीटा जाता है। समाचारों का सिलसिला जारी रखने से पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार। देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 बजे से 8 बजे। का वोट काटने के प्रियंका गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार में मंत्री और अंबेडकर नगर से भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने देश को यहां तक पहुंचाया वो तो अब है नहीं, और जिन लोगों के हाथ में आज कांग्रेस पार्टी है वो सुख भोग करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस पर कोई ध्यान ही नहीं देती कि कौन लोग उसका वोट काटेंगे और कौन लोग जोड़ेंगे, बल्कि भाजपा अपने बूथ कार्यकर्ताओं के सहारे काम करती है। सवाल ये है कि दिन से जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाया वे सारे लोग चले गए, अब जो उनका सुखो भोग कर रहे थे अब उनका सुख छिन रहा है, तो उसके बाद उनको हताशा दिख रही है। यदि इनकी त्याग तपस्या से प्राप्त हुआ होता कांग्रेस का जलवा तो इनको दूसरा लगता, इनकी त्याग तपस्या से नहीं प्राप्त हुआ, त्याग तपस्या दूसरे की थी वो नहीं है हमारे, जिनकी त्याग तपस्या थी वो करते तो उनके चिंतन विधा रहती, ये तो सुखो भोग ही है, इनकी चिंतन विधा दूसरी है। इस गणित पर सोचे ही नहीं हम, हमारा वोट काटेंगे हमको वोट दिलाएंगे इस पर हम लड़ते ही नहीं, हम तो लड़ते हमारा बूथ पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता किस प्रकार से हमारे लिए मर खप रहा है, जो कल तक हमको जानता नहीं था आज हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वह हमारी पूंजी है, हम उसी दृष्टि से देखते हैं, काटना जोड़ना ये उनका विषय होगा। उधर श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में जनपद बलरामपुर में बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और शिव प्रताप शुक्ला ने जनसभा को संबोधित कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो स्थायी एवं मजबूत सरकार देश को देगी। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज अमेरिका, रूस जैसे सभी देश भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद पर यदि किसी ने कड़ा प्रहार करने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। ये कांग्रेस की स्थिति ये है, कांग्रेस वेंटिलेटर पे चल रही है, आज पूरे देश भर में खड़े करने के लिए उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वोट काटने की कहां बात कर रहे हैं, पहले अपने आप को खड़ा तो कर लें। वाराणसी संसदीय सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही शालिनी यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गठबंधन की सोची समझी रणनीति के तहत 2 नामांकन भरवाए गए थे जिसमें से 1 नामांकन उनका था और दूसरा नामांकन खारिज किया गया।
उन्होंने बताया कि हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज किया जाएगा, लेकिन अब पूरे दमखम के साथ वाराणसी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीत सुनिश्चित की जाएगी। कर रहे थे सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, ये उसके चलते ये अंदेशा सबको था कि इनका षड्यंत्र के तहत इनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए रणनीति के तहत ये जो आपने घटनाक्रम देखा, ये इस तरीके से इसको कार्यान्वित किया गया और मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देती हूँ कि हर बात में कुछ ना कुछ एक रोड़ा निकालने के लिए अग्रसर और किसी भी तरीके से हर तंत्र का इस्तेमाल करके चाल चलने का चलन रखने वाली सरकार को उन्होंने आईना दिखाते हुए उनकी रणनीति के हिसाब से ही उनको एक जवाब दिया है इस बार। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि काफी संघर्षों के बाद हम सबको प्रजातंत्र और वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों का आह्वान करते हुए कहा कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर इस बार कोई भी मतदाता न छूटे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि मतदान अवश्य करें, भले ही प्रत्याशी पसंद का न हो तो नोटा का बटन दबाएं। उन्होंने अपील की कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें और कहा कि किसी के डर दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तैयारी से डीएम और एसपी साहब ने मिलकर शांति व्यवस्था के तहत भी एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने की दृष्टि से भी और अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए जितनी भी संगठन है सारी संगठनों को साथ में जोड़ते हुए इस पे एक व्यापक रूप से अभियान चलाया है। तो इसको हमने सबसे भी अपील किया और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि अल्टीमेटली जो हम सब लोगों का जो परीक्षा है यही है कि अल्टीमेटली हमारे मतदाता निर्भीक होके बड़ी हैप्पीली खुशी के साथ, इसको नाम ही दिया गया महात्योहार है देश का, कितनी बड़ी ईजी एटमॉस्फेयर में बड़ी खुशी के साथ इस पूरा इस महात्योहार में प्रतिभाग करेगा। तो उसके लिए जो भी गलतफहमियां हैं, जो रूमर्स है और उनकी जो बाधक तत्व है, उन सबको हटाते हुए एक अच्छे इजी एटमॉस्फेयर बनाने की। जनपद बाराबंकी में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बाराबंकी के कुरौली चौराहे से रामनगर तिराहा तक अलग अलग स्कूलों के करीब 20,000 बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी उदय भानु त्रिपाठी सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बाराबंकी के जिलाधिकारी उदय भानु त्रिपाठी ने लोगों से स्वयं मतदान करने तथा लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए कहा। लखनऊ में आगामी 6 मई को मतदान होना है, इसको लेकर शैक्षिक संस्थान भी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दे रहे हैं। लखनऊ के एक निजी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं ने अपनी कला के जरिए लोगों को बताया कि हमें अपना मतदान जरूर करना चाहिए। साथ ही छात्रों ने मतदान की वैल्यू हर आदमी के लिए क्या है इसके बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं में खासा उत्साह है। ये एक अलग तरह की अनुभूति भी है कि आप लोग दूसरे को सुनते हो कि हाँ वो आज वोट डालने गए, तो आपका भी ये एक ड्रीम बन जाता है एक दिन कि हाँ आप भी एक दिन डालेंगे वोट। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप भी देश के एक अच्छे काम में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो इट फील्स गुड। हाँ, एक्साइटमेंट था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम वोट था, तो बहुत एक्साइटमेंट था। मुझे एक दिन पहले सपना भी आया था कि मैं वोट दे रही हूँ, तो लग रहा था कि हाँ आप बहुत सही है, अपना हम भी कुछ चुन सकते हैं, अपना कुछ वोट दे सकते हैं। दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के अपर महानिदेशक कार्यक्रम अनिल कुमार श्रीवास्तव ने आज लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने समाचार कार्यक्रम और अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उर्दू की समाचार सामग्री और कार्यक्रमों के डीडी उर्दू के साथ आदान प्रदान की संभावनाओं पर विचार किया गया। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि डीडी उर्दू के प्रसारण में दूरदर्शन के लखनऊ, भोपाल, पटना, कोलकाता सहित विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मेरा ये मानना है कि
लखनऊ यूपी में उर्दू में बहुत प्रोग्राम बनते हैं, वो प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि डीडी उर्दू के माध्यम से सभी जगह दिखाए जाएं, पूरे देश में दिखाए जाएं। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि डीडी उर्दू रमजान के मुबारक मौके पर पूरे महीने रात 10 से 12 और सवेरे सहरी के समय से 2 घंटे तक रमजान दैनिक प्रसारण करेगा। रात को 10 से 12 बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग सहरी के समय से हम उस प्रोग्राम को रिपीट करेंगे। इस 2 घंटे के प्रोग्राम में हम नाती कव्वाली और इस त्यौहार की फेस्टिविटी, इस त्यौहार को कैसे मनाया जा रहा है, लोग इफ्तार कैसे खोलते हैं, रिलीजियस प्रीचिंग भी इसमें होंगी, ईद की तैयारियों का दिखाई जाएंगी, मस्जिदों पर रोशनी हो रही है, रिलीजियस प्रीचिंग हो रही है, जगह जगह फंक्शन हो रहे हैं, वो सब हम उसमें कवर करेंगे और ये पूरे महीने चलेगा। उन्होंने कहा कि डीडी उर्दू की लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि इसे भारत और पाकिस्तान सहित 58 देशों में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य और दैनिक जनजीवन पर आधारित रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उर्दू भारत सरकार का दूरदर्शन का एक राष्ट्रीय चैनल है, इसमें हम सभी तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं, आर्ट और कल्चर को लेकर के, अदब को लेकर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर सभी तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि डीडी उर्दू 58 देशों में देखा जाता है। ये प्रोग्राम अगर डीडी उर्दू से हम इसको ट्रांसमिट करेंगे पब्लिक के लिए तो उस सब भी जगह वो प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि डीडी भारती में सजीव प्रसारण पर आधारित मनोरंजक और सूचना परक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाए। प्योरली आर्ट एंड कल्चर चैनल है, आर्ट और कल्चर में साथ में हम एक तो अपने यहाँ भी डायरेक्ट प्रोग्राम, मतलब लाइव प्रोग्राम, लाइव आर्ट एंड कल्चर के डांसेस हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स हैं, या हमारे पास वोकल शास्त्रीय संगीत के ऊपर कार्यक्रम हम लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद की हंसिका शुक्ला ने गाजियाबाद ही नहीं देश में भी अव्वल नंबर लेकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हंसिका गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। उन्होंने 500 अंक में से 499 अंक प्राप्त किए। जब स्कूल अध्यापिका से बात की गई तो उनका कहना था कि हंसिका हमेशा अनुशासन का पालन करती है और हमेशा एजुकेशन को प्राथमिकता देती है। तो वहीं हंसिका ने कहा कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो अपने टीचर की हमेशा मदद लें। साथ ही हंसिका ने बताया कि आगे चलकर वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हैं। हंसिका ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर और पेरेंट्स को दिया। मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को अंदर कर ले फॉलो अ सेट शेड्यूल, अपनी टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस है उनकी जो हेल्प है वो हमेशा लें विदाउट हेजिटेटिंग एंड कंसिस्टेंट रहें बिकॉज रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली प्राउड and I'm very happy for her. She is a very disciplined student and I wish her luck in all her future endeavors. She has made us proud. पढ़ाई बहुत अच्छी करती थी, बहुत ज़्यादा वो सब्जेक्ट कौन से हैं आपके पास? एनकरेज्ड थी कि उसको अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन डिटेल्ड स्टडी में उसका विश्वास था, बहुत बहुत फेथ था उसका अपने ऊपर और सेल्फ स्टडी करती थी, ट्यूशन उसने नहीं लिया था। वहीं मुजफ्फरनगर की बेटी ने आज सीबीएसई बोर्ड में इंडिया टॉप कर अपने परिवार का ही नहीं पूरे मुजफ्फरनगर का नाम भारत में रोशन कर दिया। मुजफ्फरनगर की लाडली करिश्मा अरोरा ने भी सीबीएसई बोर्ड में 499 अंक हासिल कर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। जैसे ही करिश्मा के टॉप की सूचना उसके स्कूल एसडी पब्लिक स्कूल में पहुंची तो चारों ओर परिवार, बच्चों सहित स्कूल के टीचर भी झूम उठे, जहां करिश्मा डांस कंपटीशन में भाग लेकर डांस में भी प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। वहीं आज करिश्मा ने सीबीएसई बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त कर शिक्षा में भी अपना दम दिखाया है। करिश्मा अरोरा के पिता मनोज अरोरा एक व्यापारी हैं और उनकी मां मोनिका अरोरा एक हाउसवाइफ हैं। मनोज अरोरा 2 बेटियों के पिता हैं। डांस के साथ साथ करिश्मा अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती है। उसने हाई स्कूल में भी मुजफ्फरनगर में टॉप किया। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट किया है, दोनों को अच्छे से मैनेज किया है और सुबह उठ के पढ़ाई करी है और मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है और मेरी प्रिंसिपल को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
मैं बेहद खुश हूँ करिश्मा के टॉप करने पर, और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मैं आपको इंतजार नहीं कर सकता, उस खुशी को बयान नहीं कर सकता। दिनचर्या रहती थी बेटी, पढ़ाई में बहुत अच्छा पढ़ती थी, बहुत अच्छा ध्यान देती पढ़ाई में, इसके अलावा वो कथक डांस में टॉपर रही है, वो तरह से क्लासिकल डांस सीख रही है, ऑलराउंडर है। आज सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12 का परिणाम घोषित कर दिया है। 12वीं की परीक्षा में कुल 83.40% छात्र पास हुए हैं। वहीं रायबरेली के केंद्रीय विद्यालय की ऐश्वर्या सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 498 अंक हासिल कर देश की कंबाइंड सेकेंड टॉपर बनी। रायबरेली शहर के कृष्णानगर निवासी संजय सिन्हा की बेटी ऐश्वर्या सिन्हा ने ऑल इंडिया में दूसरी रैंकिंग हासिल की है। पिता संजय सिन्हा की गुमटी में छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है। गरीब परिवार से जुड़ी बेटी ने पूरे देश में नाम कमाया है। इससे पहले ऐश्वर्या ने वर्ष 2012 में मलेशिया में हुए युवा महोत्सव में भी पहला स्थान हासिल कर विश्व स्तर पर प्रतिभा की चमक मैंने जब से मैं 12th यहां पर विश्व के 50 देशों के बच्चों ने भाग लिया था, और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने इस विषय में मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं आगे चल के IAS बनकर जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें परिवर्तन लाना चाहती हूँ। पढ़ाई मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सहयोग किया। पहले ही दिन से मैं सारे विषयों को समझकर चलती थी, और चूंकि विषय मेरे इंटरेस्ट के थे तो उनके हर टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए। इन सभी परीक्षाओं में कुल 78.10% परीक्षार्थी पास हुए। इसमें मुंशी पाठ्यक्रम की परीक्षा में कन्नौज के मदरसा तालीमुल इस्लाम मझपुरवा के 3 छात्रों ने टॉप किया। इनमें तालीमुल इस्लाम मझपुरवा के मुंशी फारसी के छात्र रिजवान खान को सर्वाधिक 878 अंक मिले। इसके बाद इसी मदरसे के गुफरान अहमद 877 अंक पाकर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहे। इसी मदरसे के ही सुहेल अहमद 868 अंक पाकर प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहे। मदरसा परीक्षा के यूपी टॉपर रिजवान खान ने बताया कि वो अपनी सफलता के पीछे मदरसे के प्रबंधक आमिर खान और अध्यापकों को मानते हैं। अब वो आगे PhD करके उर्दू का शिक्षक बनना चाहते हैं। मदरसे के प्रधानाचार्य जुल्फिकार ने बताया कि कन्नौज जैसे छोटे जिले में मझपुरवा गांव में बने मदरसे में पढ़कर रिजवान ने प्रदेश में पहला स्थान। सर मैंने पढ़ाई भी की है 7-8 घंटे डेली, रात में भी पढ़ता था, सुबह उठ के फिर लग जाता था पढ़ने में। मैंने खूब पढ़ाई की है, हमारे वालिद साहब होते वो आज सुन के बड़ा खुश होते। यही सबसे कहना चाहता हूँ, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, कहीं पर भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और हमारी तरह अच्छे नंबर लेके नाम रोशन करें। भीषण गर्मी आते ही आग ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। लाटूश रोड स्थित अग्रवाल साइकिल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे CFO ने बताया कि देर रात पीछे पड़े कूड़े में आग लग गई थी। संभवतः उसी की चिंगारी गोदाम के अंदर पहुंची जिससे गोदाम में आग लग गई। सुबह 6 बजे आग की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।